तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार्ग से दूर रहा हूं। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूं, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूं। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 अध्याय 2 पद संख्या 2 तक। हमने जो संदेश उससे सुना और तुमको भी सुनाते हैं वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और ना केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत मती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 18 तक। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूँ वही रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वही रहा जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषों से ज्ञात समय के अनुसार बैतलहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या और भी छोटे थे। तब नबी यरेमियस का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया, राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पहुंचने नहीं देती क्योंकि वे अब नहीं रहे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।